तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप सभी को एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं गंजिया बैरेज जमशेदपुर, जो कि सरायकेला खरसवां के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो अभी हम लोग जो खड़े हैं वो है विजय गांव, और सामने में आप लोग को देखने को मिलेगा रामदेव बाबा का आश्रम। तो गाइस अभी हम लोग जाते टाइम अभी रुके हैं और जाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बता दें कि जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं ये खंकड़ा से आदित्यपुर जाने वाली मेन रोड है, जो शॉर्टकट में पहुंचाती है। इसके अलावा अगर आप जमशेदपुर या आदित्यपुर से आने वाले हो गंजिया बैरेज, तो आपको मिरुडी वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। सीधा आएंगे और आपको देखने को मिलेगा सीतारामपुर डैम। जैसे ही पार करेंगे लेफ्ट साइड आपको रास्ता मिलेगा, वो पकड़ लेंगे, वो रास्ता आपको गंजिया बैरेज मिल जाएगी। तो चलिए हमेशा की तरह टाइम लैप्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ऑन द वे हम लोग जा रहे थे कि ये बहुत बढ़िया प्लेस हम लोग को देखने को मिला, तो हम लोग सोचे कि चलो यार गाड़ी वहाँ पर ले चलते हैं और देख सकते हैं। यहाँ गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और ऊपर चलने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को ये जगह आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, कि ये नेचर का नज़ारा दिखने वाले हैं। तो गाइस जितना भी नेचर लवर है बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो गाइस वहाँ पर हम लोग चढ़ने जा रहे हैं, जो हिल का आप लोग को पीक देखने को मिलेगा वहीं हम लोग चढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग ये लोकेशन देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी, तो बता दें इस लोकेशन का नाम है दामा डूंगरी। तो फ्रेंड्स यहाँ आके आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइएगा। बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल खुश हो गया यहाँ आके। तो ब्रो कैसा लगा प्लीज? एकदम ग्रेट। तो गाइस चलिए पीक पर चलते हैं, हिल का पीक पर, आप लोग को वहाँ से कुछ बढ़िया बढ़िया नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस लिटरली बता रहा हूँ ये प्लेस इतना बढ़िया लगा, एकदम चारों और मतलब सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कुछ गंजिया डैम दिखाने वाले थे शायद वो भी दिखेगा, तो चलिए देखते हैं। इतना मज़ा आ रहा है भाई, देखे नहीं थे गाइस इतना अच्छा लगे यहाँ आके। दूर से देखने से तो कुछ पता ही नहीं चलता है, शायद इतना छोटा छोटा सोचते थे इतना छोटा छोटा पहाड़ है। तो फाइनली गाइस हम लोग पीक पे पहुंच चुके हैं और अब देख सकते हैं व्यू। यार यहाँ से हम लोग का गांव भी दिख रहा है, तो सीनी भाई साहब देखो। तो फ्रेंड्स ये प्लेस देख के ना दिल खुश हो गया यार, दूर से देखते थे जब सामने आया ना इतना मजा आया, इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर कि बोलो यार, नेचर का मजा लो यार। हवा एकदम खुली हवा फेफड़ा तक घुस जा रहा है। तो गाइस मेरा पहले वाला ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो पहले वाला ब्लॉग में हमें पुरी और भुवनेश्वर गया तक, तो गाइस तो मैं ऐसे ही घूमने नहीं गया था, मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, इसलिए सोचा एग्ज़ाम भी दूँ और आप लोग को भी कुछ वहाँ का जो हिस्टोरिकल प्लेस है और बीच वगैरह है उस चीज़ को मैं दिखाऊं, तो इसलिए गाइस मैं दिखाया।
तो गाइस यहाँ का प्लेस बहुत ही अच्छा लगा, एकदम मनोरम दृश्य, यार दिल खुश हो गया। तो सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोग को सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं यहाँ का। तो गाइज यहाँ बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने वाले हैं। तो हम लोग गांजिया बैरेज के लिए आए हैं वहाँ जाने के लिए, तो यहाँ का नज़ारा देख के यार यहीं पर रह गए। अरे जल्दी चलिए नहीं तो मम्मी दौड़ा दौड़ा के मारे। अरे यार चलो